और मॉनसून सत्र के चौथे दिन की शुरुआत भी हर दिन की ही तरह विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा है। इस बीच दोनों सदनों में कुछ विधायी कार्य भी हुए, लेकिन इस दौरान दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा भी जारी रहा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को साफ कहा कि उन्होंने दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा है। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर जितनी भी लंबी चर्चा हो, सरकार इसके लिए तैयार है। फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आ, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए। इससे पहले मौजूदा मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते जारी गतिरोध के बीच दोपहर बाद विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया गया। लोकसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद बायोडायवर्सिटी संशोधन बिल पारित कर दिया गया। बाद में सदन में विपक्षी दलों के हंगामे के चलते लोकसभा 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल जैसे समय का आप उपयोग नहीं करना चाहते। इस समय महत्वपूर्ण समय होता है, मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलाएं, सदन पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा करें, सरकार की जवाब देते करें। एक अच्छे प्रयास की कोशिश करना चाहिए। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या रोज नारेबाजी करते हैं आप। 5 बजे के बाद लोकसभा में विधायी कामकाज को लेकर प्रगति देखी गई और लोकसभा में गृह मंत्री द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया। इससे पहले सुबह लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी पहले 12 बजे तक स्थगित हुई, बाद में हंगामे के बीच प्रश्नकाल कुछ देर ही चल पाया। 50 लोग सतत इस 267 पे डिस्कशन करने के लिए तैयार और वो 176 पे डिस्कशन करने के लिए वो तैयार है। तो जब इतने लोग 267 पे बात करने के लिए तैयार, आप जब वो उस पे जो बात करना चाहते हैं 2.5 आवर्स का, क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? दोपहर बाद विपक्ष के तमाम दलों ने उच्च सदन से वॉकआउट किया, जिसके बाद अनुसूचित जनजाति से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। 12 जाति जिसका संशोधन करने का प्रस्ताव है तो बहुत कम संख्या में है, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता के उनकी खोज हो, उनकी समस्या का समाधान हो और उन्हें भी न्याय मिले जो शायद पीछे बैठे हुए हैं, जिनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, वो हमारे माध्यम से आवाज़ पहुँचे और उन्हें न्याय मिले। इस बिल के पारित होने के तुरंत बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के हंगामे और राज्यसभा में वॉकआउट के बाद विधायी कामकाज को लेकर दोनों सदनों में प्रगति देखने को मिली है। सदन में गतिरोध खत्म करने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक भी की है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि मौजूदा सत्र के बाकी दिनों में संसद का कामकाज तेजी से आगे बढ़ सकेगा। पार्लियामेंट टीम, DD News, दिल्ली।